नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नई वैकेंसी के लिए चर्चा करेंगे। जो आज की वैकेंसी है, जनगणना विभाग भर्ती है, सेंसेस ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2021। दोस्तों आज का जो टॉपिक है जनगणना के अकॉर्डिंग है, तो दोस्तों आज करंट डेट में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत यानी कि भारत सरकार ने एक वैकेंसी निकाली है जनगणना से रिलेटेड, ठीक है, जो कि टोटल इसमें वैकेंसी है 389 वैकेंसीज हैं जनगणना में। दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि जो कि जनगणना का जो डेट है वो इसी महीने 2020 में अप्रैल और मई के बीच में भारत सरकार ने निर्धारित किया है जनगणना का डेट, ठीक है। और क्या होता है कि दोस्तों कोई आजकल जनगणना स्टार्ट भी हो गई है कुछ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो चलिए आज हम उसी के बारे में वैकेंसी किस किस विभाग में किस कितने कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम कैसे इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो ये जनगणना जो है आप यहाँ से इसके वेबसाइट में भी जाके आप इसके रिक्रूटमेंट को देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेंस कमिश्नर इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके आप वेबसाइट में भी जाके आप यहाँ से आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट, और यहाँ से आप एडवर्टाइज का जो है इसका डेट और एडवर्टाइज उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके यहाँ बकायदा डेट भी दिया हुआ है, मैं आपको बताऊँगा उसको वेबसाइट में ले जाके, ठीक है। चलिए मैं इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज निकाली है भारत सरकार ने। तो सेंसेस ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट जनगणना विभाग भर्ती ने 389 सांख्यिकी अन्वेषण मानचित्र अधिकारी कार्यकारी अधिकारी पदों के लिए रोजगार समाचार प्रकाशित किया है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन स्नातक डिग्री, बीटेक या मास्टर डिग्री, या सरकार के तहत काम करने वाले अधिकारी, यानी कि अगर आप स्नातक हैं मतलब ग्रेजुएट हैं, या आपने बी की है या बीटेक किया है, या किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री आपने किया है, या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राज्य सरकार के किसी भी संस्था में यानी कि अधीन काम कर रहे हैं या कर्मचारी हैं, तो आप इसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें पदों का नाम नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर पदों की संख्या 389 पद हैं। जैसे पहला है उप रजिस्ट्रार जनरल 8 पद हैं, अपर निदेशक है 2 पद, संयुक्त निदेशक जनगणना संचालन 19 पद हैं, संयुक्त निदेशक EDP 9 पद हैं, सहायक रजिस्ट्रार जनरल 1 पद है, उप निदेशक EDP 13 पद हैं, और मानचित्र अधिकारी 4 पद हैं, ठीक है। सहायक निदेशक जनगणना ऑपरेशन 52 पोस्ट है इसमें, और सहायक निदेशक डेटा सेंटर यानी कि 55 पोस्ट है, और सहायक निदेशक प्रवेश 1 पोस्ट है, अनुसंधान अधिकारी 4 पोस्ट है, सांख्यिकी अन्वेषक 200 पोस्ट है, और वरिष्ठ भूगोल वित्ता 3 पोस्ट है, और कार्यकारी अधिकारी 18 पोस्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये टोटली कुल मिला के 389 यानी कि 389 पोस्ट यहाँ पर है जनगणना के लिए, ठीक है। अब आते हैं इसमें नौकरी प्रकाशित होने की तिथि है जो 14/3/2020 यानी कि कल की डेट की है, 14/3/2020 की है, ठीक है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि है इसका 25/4/2020 यानी कि आप इसको 25/4/2020 तक यानी 25 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पास आयु सीमा है, एज लिमिट है, उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। कृपया आयु में छूट एवं अन्य जानकारी के प्रकाशित नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आप वेबसाइट में जाके आप वहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वेबसाइट में कैसे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है क्या है इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्यक्तिगत साक्षात्कार, इसमें देखिए रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुलाया जाएगा, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पास बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पास है सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसका जो वेतनमान है इसका लेवल 7 से लेकर लेवल 13 तक रहेगा, मतलब जो उसका सैलरी का वेतन रहेगा, तो जो कर्मचारी लेवल वेतन होता है तो लेवल 7 से लेकर
13 तक होगा वो आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा इसका जो वेतन लेवल है 13 पोस्ट है जनरल रजिस्ट्रार का, उस हिसाब से मतलब ये पोस्ट के हिसाब से ये आपका वेतन वहाँ पास निर्धारित करेगा। नेक्स्ट है, इसके बाद है यहाँ पास, और अगर आपको देखना है तो आप यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जरूर चेक करके देख सकते हैं इसकी जो सैलरी कितनी, इसका आवेदन कैसे करना है, अप टू हाउ टू अप्लाई। इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, इसको मतलब ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका जो एड्रेस है अवर सचिव प्रवेश 3rd अनुभाग RGI का कार्यालय NDCC 2 भवन पहली मंजिल जयसंग रोड नई दिल्ली, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप ऑफलाइन आवेदन, हमको उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना है और उसका जो एड्रेस है ये एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको वहाँ पर अपने फॉर्म को आप स्पीड पोस्ट के द्वारा या रजिस्टर के द्वारा भेजना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर अब आती है आवेदन फीस की बात, एप्लीकेशन फीस क्या है इसके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें कोई आवेदन फीस नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नोट सेंसस ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप पब्लिश्ड नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कृपया इस जानकारी को अपने, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके अलावा, आपके अलावा और भी दोस्तों को मिले, तो आप हमारी वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे जो जिन्हें इसकी आवश्यकता है वो रिक्रूटमेंट देख के देख सकते हैं, या आप बता दीजिए तो वो वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चलिए वेबसाइट पे ले चलता हूँ, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर देखे कि यहाँ वेबसाइट में मैं आ गया हूँ। वेबसाइट में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पास आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट का रहेगा और डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसीज और व्यू एडवर्टाइजमेंट, मतलब आप जो भी वैकेंसी आपको एडवर्टाइजमेंट, ये मतलब क्या है, पूरा जनगणना से रिलेटेड है पूरे ट्रांजेक्शन, तो आप इसमें एक एक करके आप देखना चाहें तो आप यहाँ पास क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पास एक पहला डाउनलोड किया है वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पर जैसे भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मतलब होम अफेयर्स ने क्या किया है, निकाला है वैकेंसी, तो वो यहाँ पास देखिए, जैसे कि मैंने वहाँ पास आपको अभी दिखाया था ये लेवल पदों के नाम, तो यहाँ पास आप इसको देख सकते हैं यहाँ पास, ठीक है, ये कितना कितना पोस्ट है। और ये यहाँ पास आपको पे स्केल लेवल भी दिखा देगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सा लेवल पे है, कितना है, तो वो आपको यहाँ पास दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पास इसका जो सॉरी इसमें अगर वेबसाइट का एड्रेस जो है तो ये www.censusindia.gov.in पर आप लॉगिन करके आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आप लॉगिन भी कर लीजिए www.censusindia.gov.in पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पास आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, यहाँ नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है तो आप देख लीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।